नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश और आप देख रहे हैं हमारा आपका यूट्यूब चैनल दीपेश की पकिया। दोस्तों, ठंड के दिन ख़त्म होने को हैं, समाप्त होने को हैं। जनवरी का मंथ समाप्त हो गया है, फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब धीरे धीरे मौसम में हल्की हल्की गर्माहट सी महसूस करेंगे आप दिन के समय में। सुबह और शाम की ही ठंड बचेगी। तो अब होता ये है कि जब ये वाला मंथ स्टार्ट होता है, यानी कि हमारे अब इंडोर्स प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा मौसम स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी तक काफ़ी ठंड में, अधिक ठंड में डोरमेंसी में थे। अब डोरमेंसी से बाहर निकलेंगे, उनको हल्की हल्की गर्माहट महसूस होगी और काफ़ी अच्छा वेदर होने वाला है उनके लिए। तो ऐसे ही आज हम एक इंडोर आउटडोर प्लांट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंडोर और आउटडोर दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि क्रोटोन की खासियत होती है कि ना तो बहुत ज़्यादा धूप में ही रहना पसंद करता है, ना बहुत ही ज़्यादा छाए में। इसलिए हम ना तो इसको 100% इंडोर बोल सकते हैं, ना ही आउटडोर। जी हाँ, तो आपके सामने जो ये वैरायटी रखी हुई है, ये है क्रोटोन की गोल्डन डस्ट। गोल्डन डस्ट जो है इसका नाम, जो इसकी पत्तियों पर जो ये पीले 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 जो चिट्टे से पड़े होते हैं, डॉट डॉट से होते हैं, इसके कारण जो है ये गोल्डन डस्ट एक डस्ट के समान ग्रीन ग्रीन पत्तियों के ऊपर येलो येलो डस्ट जैसी जमा हो जाती है। इसलिए इसका नाम जो है गोल्डन डस्ट रखा गया है। जी हाँ, तो क्रोटोन की चलिए आज हम चर्चा कर लेते हैं। क्रोटोन कैसा प्लांट है, इसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, इसको कैसी जगह देना चाहिए जिससे कि ये आसानी से और खूबसूरती से अपनी ग्रोथ बढ़ा सके और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सके। तो सबसे पहले जो है इसकी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो गोल्डन डस्ट क्रोटोन जो है, क्रोटोन की कोई भी वैरायटी है, उसको जो है मिनिमम 10 डिग्री टेम्परेचर पसंद होता है और अधिकतम मैक्सिमम 27 डिग्री टेम्परेचर पसंद होता है। अगर 10 डिग्री से भी लो जा रहा है टेम्परेचर, तो आपको इसकी कुछ एक्स्ट्रा देखभाल करनी पड़ेगी, और अगर 27 से भी अधिक जा रहा है तब भी आपको इसकी अधिक देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये तो रही इसकी टेम्परेचर की बात। अब हम इसके घर, यानी कि किसी भी पौधे की मिट्टी जो होती है वो उसका घर कहलाता है, हम उसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। क्रोटोन को जो है वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए आप 30% गार्डन सॉइल, 20% रेत सैंड बालू, प्लस 20% राइस हस्क, और प्लस 30% आप लीफ कंपोस्ट, काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जब इस रेशियो में हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो वो एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होती है। मेरी मिट्टी जो है, सूखी मिट्टी में भी आप अगर उंगली डालेंगे तो वो आसानी से अंदर चली जाती है, और यही एक वेल ड्रेन मिट्टी की पहचान होती है। अगर अधिक पानी चला भी जाए तो वो आसानी से आपको विद इन 1 मिनट आपके पॉट से बाहर हो जाएगा। ये एक वेल ड्रेन की मिट्टी की पहचान होती है। चलिए, तो मिट्टी की बात तो हो चुकी है कि मिट्टी में आप नीम खली का भी यूज़ ज़रूर करें। अगर आप 10 इंचेस के पॉट में मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आपको एक मुट्ठी नीम खली अच्छी सूखी हुई यूज़ करिए। उससे होता यह है कि इसकी मिट्टी में किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े अपना घर नहीं बना सकते हैं, किसी प्रकार की चींटी वगैरह नहीं जाएगी। उससे आपकी रूट्स हेल्दी रहेंगी, उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस मिलेगा जिससे कि आपका प्लांट हंसी खुशी आगे ग्रोथ करेगा। चलिए, अब ये हम इसकी रख रखाव की बात कर लेते हैं। तो क्रोटोन को आप अपने घर का ऐसा एरिया दीजिए जहां सुबह की 2 से 3 घंटे की, यानी लगभग 8 बजे से 10 बजे तक जो है इसको अच्छी धूप मिले, उसके बाद जो है दिन भर की ब्राइट सनलाइट की मिले। उससे होता यह है कि जब हम इस प्रकार का इसको लाइट देते हैं तो ये अपनी पत्तियों का कलर निखार के लाता है और भी ये खूबसूरत दिखने लगती हैं। इसलिए आप इसको जो है ब्राइट लाइट वाला एरिया दीजिए जिससे कि ये अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र जो है इसको विशेष ज़रूरत नहीं होती है किसी हैवी फर्टिलाइज़र की। मैं हर 6 महीने में एक मुट्ठी जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता हूं, और बीच बीच में मैं इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट को जो है पानी में डाइल्यूट करके उस पानी का छिड़काव करता रहता हूं। इसमें एफिड्स और माइट्स की भी प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं, उनसे बचाने के लिए जो है पत्तियों के नीचे ज़्यादातर लगी होती हैं। आप अगर देखेंगे उठा के पत्तियों के नीचे, ऊपर से नहीं समझ में आएंगी लेकिन पत्तियों के नीचे वो बहुत सारी जमा हो जाती है और धीरे धीरे जो है आपके प्लांट्स को सुखाना चालू कर देती हैं, उसका रस चूस चूस के वो उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। तो इनसे बचाव के लिए हर 20 दिन में आप 1 लीटर पानी में 3 ml से 2 ml, 2 ml या 3 ml तक आप इसमें नीम ऑयल का यूज़ करें। अधिक नहीं करिएगा, नीम ऑयल काफ़ी तेज़ होता है, वो आपकी पत्तियों को जला देगा।
आप और इनकी पत्तियों की देखभाल के लिए आप इसमें समय समय पे सावरिंग करिए, वाटरिंग से सावरिंग करिए। सावरिंग करने से होता यह है कि इसमें किसी प्रकार का धूल डस्ट और एपिड्स अपना घर नहीं बना पाते हैं, और उनको एक आप कॉटन के कपड़े से पत्तियों को साफ़ कर दीजिए, उससे आपकी पत्ती एकदम हेल्दी और एकदम लश ग्रीन और कलरफुल नज़र आएंगी, अपने पूरे कलर निखार के दिखाएंगी आपको। तो ये रही, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कि बार बार पानी से धोएं। पानी से धोने का मतलब ये है कि आप अगर इसको 10 दिन में एक बार भी शावरिंग करा देते हैं तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। वाटरिंग वाटरिंग की बात की जाए तो वाटर आप इसको बहुत अधिक पसंद नहीं होता है। पानी आपको इतना ही डालना है कि सिर्फ मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। 2 से 3 इंच जब मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। अधिक वाटरिंग से होता यह है कि इसमें रूट रॉट और फंगस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, और उससे हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फंगीसाइड का समय समय पर छिड़काव करिए, यूज़ करिए। मैं हर महीने जो है इसमें एक बार फंगीसाइड का 1 चम्मच उपयोग करता हूँ। उससे होता यह है कि किसी भी प्रकार का मेरे प्लांट में फंगस डेवलप नहीं हो पाता है। आप साफ का सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, या आपको उससे भी कोई बेहतर मिले तो अपनी समझदारी से उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमिक फंगीसाइड का हमें फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे प्लांट्स को इंटरनली अगर किसी प्रकार का फंगस लग गया है तो वो अंदर तक रूट्स यानी जड़ से लेकर आपके तने और पत्तियों तक जाएगा और इंटरनली उनको अटैक करके उस फंगस को दूर करेगा। इसलिए आप सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का यूज़ करिए। प्रोपागेट की बात की जाए, अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, कटिंग से इनको डेवलप करना हो, तो अभी अगर बारिश के अलावा अगर अभी की बात की जाए तो 20 जनवरी से लेके आप पूरा फरवरी तक इसकी कटिंग को डेवलप कर सकते हैं। कटिंग इजीली ग्रो हो जाती है। आप इसको साधारण मिट्टी में रेत मिलाकर या फिर हो सके तो प्योर सैंड में भी, वॉश की हुई सैंड होना चाहिए, उसमें भी इसकी 6-6 इंच की कटिंग डेवलप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो रही हमारे आज गोल्डन डस्ट क्रोटोन की जानकारियाँ और चर्चाएँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। होता उससे ये है कि मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई प्लांट्स की जानकारियाँ लेके आता हूँ। मेरी टिप्स को आप फॉलो करिए और देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सो प्लीज़ लाइक डू एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दीपेश की बगिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए खूबसूरत से पौधे के साथ। ओके, बाय बाय।